जोजो किड्स। रमन अपने दादा दादी के साथ एक घर में रहा करता था। उसके दादा दादी उसका हमेशा ध्यान रखते थे। दादी उसे उसकी पसंदीदा खाने बनाकर खिलाती और दादा उसे घुमाने ले जाते थे। रमन हमेशा खुश रहता था। दादाजी, कल मेरे लिए खिलौने वाली कार लेकर आना जिसमें रिमोट होता है, वो वाली। अपनी पढ़ाई करो बेटा, फिर ऐसे शौक पूरे करना। रिमोट वाली कार बहुत महंगी आती है और इतने पैसे व्यर्थ में गवाना भी अच्छी बात नहीं। ले दो ना प्लीज। अरे ला दो ना, अगर बच्चा मांग रहा है तो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता पैसे का महत्व समझे, इसीलिए मैं उसे कार नहीं ला के देना चाहता। चलो बेटा पढ़ाई करो। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन, दादाजी आज घर में पानी क्यों नहीं है, मैं नहाना चाहता हूँ। बेटा आज नौकर नहीं आया है और मुझसे तो कुएं में पानी नहीं निकाला जाएगा। इस उम्र में कुएं से पानी निकालने में तो मेरी कमर टूट जाएगी। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद निकालना होगा। मैं कुएं से पानी निकालूंगा? ना बाबा ना, ये तो बहुत मेहनत का काम है, मुझसे नहीं होगा। इतना आलस ठीक नहीं बेटा, हमें अपना काम स्वयं करना सीखना होगा। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी होगी। उस दिन जिद की वजह से रमन नहीं नहाया तो उसके दादाजी ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, ये रमन का आलस बढ़ता ही जा रहा है। एक उपाय है मेरे पास, चलो देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। अगले दिन दादाजी ने रमन को अपने पास बुलाया और एक शंख दिया। ये क्या है और आपने मुझे क्यों दिया है? ये शंख है, ये जादुई और चमत्कारी शंख है। तुम्हें इस शंख के जरिए एक काम देना चाहता हूँ। अगर तुम वो काम कर पाए तो तुम्हें कभी भी कोई काम और नहीं करना होगा, पर अगर तुम वो काम नहीं कर पाए तो तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है दादाजी, बताओ क्या काम करना है? इस शंख को चावल के नीचे दबा देना है, ऐसे ढकना है ये बाहर ना निकल पाए। बस इतनी सी बात, अभी करता हूँ। रमन घर के अंदर से चावल की एक बोरी ले आया और एक थाल में उसने सबसे नीचे शंख रखा और उसके ऊपर सारे चावल डाल दिए। ये लो दादाजी। पर उसके कहते ही शंख वापस बाहर आ गया। रमन को एक और उपाय सूझा, उसने शंख को उस चावल की बोरी में दबा दिया। दादाजी देखा, मैंने शंख को दबा दिया। पर वो गलत निकला, थोड़ी देर बाद शंख फिर से बाहर आ गया। बेटा तुम अगर पूरी जिंदगी भी लगा दोगे ना, तब भी तुम इस शंख को चावल के अंदर नहीं दबा पाओगे, क्योंकि ये असंभव है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, आलस को छोड़ दो बेटा। जादुई जूते। कमल के पास नए जूते नहीं थे, इसीलिए उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नए जूते चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही ले आऊंगी। कमल को शाम को उसकी माँ नए और खूबसूरत जूते लाकर देती है। कमल एक बहुत अच्छा बच्चा था, वह तुरंत जूते पाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह कितने सुंदर जूते हैं माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। मैं इन्हें पहनकर जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। कमल अपने नए जूते पहनकर घर से बाहर निकलता है, तभी वो एक ठेले के पास एक बच्चे को देखता है जो ठेला खींच रहा था, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। इसके पैर तो कितने घायल हैं, बेचारे के पास जूते भी नहीं है, क्या मैं इसे एक जोड़े जूते दे दूं? अभी कमल ने ऐसा कहा ही था कि अचानक उसके सामने हूबहू उसके जैसे सुंदर जूते सामने आ गए। अरे इतने अच्छे जूते, एक और जोड़ी, मैं इसे दे देता हूँ। कमल ने जाकर उस ठेले वाले बच्चे को नए जोड़ी जूते के दे दिए। वह बच्चा जूते पाकर बहुत खुश हुआ। फिर कमल खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंचने ही वाला था कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके सर पर बहुत सी लकड़ियां रखी हुई थी। चलते समय उसके पैर बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। हे भगवान कितने घायल पैर हैं, इन्हें तो जूतों की आवश्यकता है। ऐसा कहते ही फिर से जूतों का एक जोड़ा कमल के सामने आ गया।
अरे वाह, जब भी मैं एक जोड़ी जूते मांगता हूँ मेरे सामने एक जोड़ी जूते आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मेरे पास जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर मैं जो मांगता हूँ वो पूरा हो जाता है। कमल ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को वो जूते दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे जूतों में जादू है। इस तरह मैं कईयों की मदद कर सकता हूँ। रात में जब वह घर लौटता है तो अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, देखो मैं अभी इस जूते से जूता मांगूंगा तो एक जोड़ी जूता तुम्हें भी दे देगा। क्या सच? हाँ, ये देखो, काश मेरी माँ को एक जोड़ी जूते मिल जाए। तभी तुरंत जूते में से एक और जोड़ी जूते बाहर आ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये मामूली नहीं जादुई जूते हैं। ना जाने ये कैसे हुआ, मैं तो बाजार से सिर्फ जूते लेकर आई थी, मगर मुझे लगता है तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर भगवान ने हमें ये जूते दिए हैं। हमेशा सबकी मदद करना बेटा। हाँ माँ, मैं यही करूँगा। और इस तरह जब भी कभी कमल को कोई बिना जूतों के मिलता तो कमल उसे एक जोड़ी जूते देना नहीं भूलता। दही वाले की सफलता। एक गांव में एक आदमी प्रताप अपनी पत्नी के साथ दही बेचता था। उनके गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। प्रताप दही बनाने के लिए अपने पड़ोसी वीरू के यहाँ दूध लिया करता था। लो शांति, दही जमा दो। जी, अभी जमा देती हूँ। पूरे गांव में दही की एक ही दुकान थी, इसी कारण दुकान भी अच्छी चलती थी। लेकिन धीरे धीरे दही बचने लगा। अरे शांति, हमें कुछ सोचना चाहिए काम बढ़ाने के लिए, ये तो कम होता जा रहा है। आप चिंता ना करें, इस बार माँ ने मीठा दही बनाने की एक विधि बताई है, उसे इस्तेमाल कर देखती हूँ। घर पहुँच कर शांति ने अपनी माँ के द्वारा बताई हुई विधि से दही बनाया। दही बहुत स्वादिष्ट था, इसी कारण सारा बिक गया। अरे वाह शांति, आज तो सारा दही बिक गया, कल से तुम ऐसे ही दही जमाना। कल से आप वीरू भाई से थोड़ा ज्यादा दूध लाना, मुझे लगता है कल ज्यादा ग्राहक आएंगे। ठीक है, कल ज्यादा दूध ले आता हूँ। अगले दिन प्रताप वीरू से ज्यादा दूध लेता है। क्या बात है, इतना दूध लगता है, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ दोस्त, बहुत अच्छा दही बनाने लगी है शांति। वीरू प्रताप की दुकान पर अगले दिन जाकर देखता है कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। प्रताप का काम अच्छा होता चला गया। वीरू से प्रताप की सफलता नहीं देखी गई। उसने अपने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिस कारण अब फिर से दही बहुत पतला होने लगा और ग्राहक भी कम होते चले गए। तुम दही ठीक से नहीं बना रही हो क्या, ग्राहक कम होते चले जा रहे हैं। मैं तो पहले जैसा ही बनाती हूँ जी। प्रताप और उसकी पत्नी परेशान रहने लगे। एक दिन वीरू को पानी मिलाते हुए शांति ने देख लिया। ये देखो जी, समझे अब दही क्यों नहीं बिक रहा। सुनो जी, अब समय आ गया है कि हम अपनी भैंस खुद ले लें। प्रताप ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक भैंस खरीदी और कुछ दिनों में फिर से दही अच्छा जमने लगा और बिकने लगा। आज तुम दूध लेने नहीं आए प्रताप, क्या बात है, काम बंद कर दिया क्या? अब हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। शुक्रिया कि तुमने दूध में पानी मिलाया और मुझे भैंस खरीदने का विचार आया, नहीं तो हमेशा अपनी पत्नी से नाराज रहता और यही समझता रहता कि वो दही नहीं बना पा रही है। वीरू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और फिर से शांति और प्रताप की दुकान चल पड़ी। मिनी और उसके जानवर। मिनी नाम की एक लड़की थी जो जंगल के बहुत पास ही जो गांव था उसमें रहती थी। मिनी को जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बिल्ली, एक चूहा, एक खरगोश और एक कुत्ता भी था। मिनी हमेशा अपने जानवरों के साथ बाग बगीचे में खेलती रहती। अचानक एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मिनी, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी नानी बहुत बीमार है, हमें उन्हें मिलने जाना है। मगर माँ, हमारे दोस्तों का क्या होगा, ये क्या हमारे साथ जाएंगे? नहीं बेटी, हमें बहुत दूर जाना है, हमें लौटते लौटते 2-3 दिन लग जाएंगे, तुम्हें ये जानवर यहीं छोड़ने होंगे। पर माँ,
इनका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, तुम इन्हें यहीं छोड़ दो। नहीं माँ, इस तरह तो ये इतने दिन भूखे रहकर मर जाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। क्या करूं? तभी मिनी की माँ अपने पड़ोसी के पास गई। नमस्ते श्यामलाल जी, हम लोग जरा अपनी माँ का हाल चाल पूछने जा रहे हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर आप तो जानते हैं, मिनी के ये दोस्त, इन्हें हम कहाँ छोड़ें? अगर आप बुरा ना माने तो हम क्या इन्हें आपके पास छोड़ सकते हैं? हम दो ही दिनों में वापस लौट आएंगे। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, भला पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आप बेहिचक जाइए, इनका ध्यान मैं रख लूंगा। श्यामलाल ने सभी जानवरों को अपने पास रख लिया। मिनी और उसकी माँ ने बहुत सा भोजन अपने जानवरों के लिए श्यामलाल को दे दिया। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी, मैं इन्हें खुद ही भोजन करा देता। पर खैर कोई बात नहीं, अब आप निश्चिंत होकर चले जाइए। मिनी और उसकी माँ अपनी नानी को मिलने चले गए। मिनी और उसकी माँ के जाते ही श्यामलाल का रवैया जानवरों के प्रति बदल गया। क्या मुसीबत है, ये जानवर पालने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, दो ही दिन की बात है। श्यामलाल ने मिनी के द्वारा दिया भोजन अपने घोड़े को खिला दिया। यह देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, और उसे भौंकता हुआ देखकर श्यामलाल बोला, क्या मुसीबत है, कितना भौंक रहा है, अरे कब आएंगी दोनों, इतने दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्यामलाल ने कुत्ते को एक बड़े से पेड़ से बांध दिया। यह देखकर चूहे को बहुत गुस्सा आया। चूहे ने रस्सी को काटने की कोशिश की। श्यामलाल ने चूहे को पकड़कर एक ड्रम में बंद कर दिया। यह देखकर बिल्ली को बहुत बुरा लगा। बिल्ली जोर जोर से दौड़ लगाने लगी और उस ड्रम को खोलने लगी। यह सब देखकर श्यामलाल को बहुत गुस्सा आया। बिल्ली ने उस ड्रम में से चूहे को निकाला। अभी मजा चखाता हूँ, ये बहुत सता रहा है और दो दिन से कुछ खाने को भी नहीं दिया। चूहे ने घर के अंदर जाकर सभी रजाइयाँ कुतर दी। हे भगवान, सारी रजाइयाँ बर्बाद कर दी। कुछ ही देर में जब मिनी वहाँ पहुँची तो उसने देखा, अरे माँ देखो, टॉमी को पेड़ से बांध दिया है और देखो ये सब कितने कमजोर लग रहे हैं। तभी उसे बिल्ली ने बताया, इतने दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, ये श्यामलाल ने सारा भोजन अपने घोड़े को खिला दिया। मिनी और उसकी माँ अपने जानवर लेकर अपने घर वापस लौट आए और उन्हें दोबारा अच्छा भोजन कराकर स्वस्थ बना दिया। आगे से मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरा वादा है। श्यामलाल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। प्लीज सब्सक्राइब।